ॐ नमः शिवाय। शिवम मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री ईशान जयपुरियम से। आज मैं आपके सामने एक रुद्राक्ष के अहम चीज को दर्शाना चाहता हूं। रुद्राक्ष ऐसा अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीड है, बहुत ही मजबूत दाना है। उसको लेके अगर पटक भी दो आप तो उसे कुछ होना नहीं है जल्दी से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंडोनेशियन यानी कि जावा का दाना हो, इंडियन दाना हो या नेपाली दाना हो, वो कहीं ना कहीं से टूट जाता है। तो ऐसे समय पे हमने क्या करना चाहिए दाने के साथ? उसको टूटने के भी कई कारण हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। कभी कभी बिल्कुल दो टुकड़े हो जाते हैं उसके। कभी कभी जो ऊपरी हिस्सा होता है रुद्राक्ष का, वो स्मूथ नहीं होता है। उसमें एक ऊपर नीचे प्रोट्रूजन्स बहुत सारे होते हैं। वो प्रोट्रूजन्स में कभी कभी एक आधा या दो प्रोट्रूजन टूट जाते हैं। कभी कोई कॉन्टेक्ट आ जाता है किसी के साथ संपर्क आने के कारण, एक उसको लगने के कारण वो एक ठक करके वो छोटा सा पीस निकल जाता है। आपके ध्यान में भी नहीं आता है कि टूट गया है। टूटा हुआ रुद्राक्ष पहनना अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ रुद्राक्ष कभी भी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन ज्यादा करके रुद्राक्ष को टूटने का कारण होते हैं हल्के और सस्ते रुद्राक्ष। आजकल इंटरनेट द्वारा बड़े कम कीमत पे आपको बड़े बड़े मुख के रुद्राक्ष प्राप्त हो जाते हैं। ये जो रुद्राक्ष होते हैं बड़े हल्के से होते हैं, पुअर क्वालिटी के होते हैं, कम डेंसिटी के होते हैं और इसमें कई खामियां होती है। कई बार तो इनको ऑलरेडी कीड़े खा चुके रहते हैं। इसे बोलते हैं इंसेक्ट इन्फेस्टेड या मॉथ इन्फेस्टेड रुद्राक्ष। ऐसे रुद्राक्षों को जो बदमाश होते हैं उसे भर देते हैं, फिर कलर कर देते हैं और आम आदमी को तो बिल्कुल अच्छा रुद्राक्ष नजर आता है। वो उसे खरीद लेता है क्योंकि उसको बहुत ही अच्छी कीमत पे मिलता है और कुछ दिनों के बाद वो हिस्सा निकल जाता है, वो चिपकाया हुआ रहता है, वो ओरिजिनल उस रुद्राक्ष का एक हिस्सा नहीं है और फिर उसमें एक खड्डा गिर जाता है। मैं ऐसे कुछ रुद्राक्ष आपको दर्शाऊंगा भी। और जब ये होता है एक समस्या खड़ी हो जाती है कि टूटा हुआ रुद्राक्ष जिसे भंग बोलते हैं, जिसे खंडित बोलते हैं, इंग्लिश में डिसेक्रेटेड बोलते हैं, इसे करना क्या चाहिए? पहले बात तो मित्रों एक याद रखना कि इसे तुरंत ही आपने साफ सुथरे पानी में बहा देना चाहिए या कोई साफ कुआं अगर मिले तो उसमें बहा देना चाहिए क्षमा याचना करते हुए। आप समुद्र में भी इसे बहा सकते हो। अभी दिक्कत ये है भारतवर्ष में आपको साफ सुथरी नदियां मिलना, साफ सुथरा कुआं मिलना, साफ सुथरा समुद्र मिलना या समुद्र का किनारा मिलना, यह बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे समय पे आप क्या करें? बिल्कुल गंदगी में डालना नहीं है उसे। वो बहुत ही शुभ है। रुद्राक्ष को हम भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो ऐसे समय पे आप कोई भी प्राचीन शिव मंदिर में जाके क्षमा याचना यानी कि माफी मांग के कि शायद आपको पता हो क्या कारण से वो टूटा है, शायद आपको पता नहीं हो क्या कारण से टूटा है, जो भी स्थिति हो वो बताते हुए आपने शिवलिंग पे वो रुद्राक्ष छोड़ के आ जाना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है, आपने जो कोई रुद्रश्रुति में, रुद्रश्रुति होता है रुद्राक्ष के अभ्यास का, अभ्यास को रुद्रश्रुति नाम दिया गया है, जो भी उसका एक अभ्यासक हो, अच्छा अभ्यासक हो, उसके मार्गदर्शन से आपने वापस उनके पूछने पे, उनके कहने पे आपने वही रुद्राक्ष, वही मुख रुद्राक्ष या और कोई मुख वाला रुद्राक्ष या कुछ कॉम्बिनेशन रुद्राक्ष का पहन लेना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए। मैंने तो कई मेरे क्लाइंट को देखा है कि वो गले में अपने रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जब मैं उनको नजदीक से निरीक्षण करता हूँ पाता हूँ कि कई जगह खंडित है तो इमीडिएटली उनको तुरंत बोलता हूँ कि इसे उतार दीजिए, ये तो गलत है, ये तो अशुभ है,
ये तो आपको हानिकारक है। तो अपने रुद्राक्ष हरदम चेक करती रही है कि कहीं जाने अनजाने में कहीं टूट तो नहीं गए हैं, कहीं खंडित तो नहीं गए हो गए हैं। और अगर खंडित हो गए हैं तो जैसे मैंने बताया है उसको तुरंत आप उसका विसर्जन कर दीजिए, वो सबसे अच्छा होता है शिव मंदिर में करना। अब मैं आपको कुछ रुद्राक्ष दिखाऊंगा जिसमें भारतीय रुद्राक्ष भी है, इंडोनेशियन भी है और नेपाल भी है, ये किस तरह से टूट जाते हैं। तो अब देखिए मेरे सामने ये रुद्राक्ष है। तो ये पहला वाला रुद्राक्ष मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप अगर गौर से देखें तो ये जो हिस्सा है ये कीड़े खा चुके हैं, ये कीड़े खा चुके हैं और अब ये निकल चुका है। तो इसलिए आप देखोगे कि कुछ इसमें से ये हिस्सा गायब दिखता है या छेद भी दिखता है। ये पेंसिल मेरी जो है इसका नोक जो है वो अंदर जा रहा है। ये कीड़े खाए हुए रुद्राक्ष होते हैं। ये आम आदमी को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, इसलिए जब भी आप खरीदो आप बिल्कुल ध्यान दो कि आप कोई रिलायबल सोर्स से खरीदते हो और केवल इंटरनेट के माध्यम से मत खरीदिए इसको। तो ये एक तरीका है। दूसरा है फॉल्टी कैपिंग। यहां कैपिंग ठीक नहीं करने के कारण, इसमें कैपिंग ठीक नहीं करने के कारण तो ये उसकी तार और कैप ने ये रुद्राक्ष के मुंह को, यानी कि मुख को, यानी कि हेड ऑफ द रुद्राक्ष को ये खा चुका है। ये अत्यंत खराब है, ये खंडित हो चुका है, भंग हो चुका है, डिसग्रेड हो चुका है। तो इससे भी ध्यान रखिए। रुद्राक्ष इस व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से बनाई है जो ये कला जानता है कि रुद्राक्ष की कैपिंग किस तरह से करनी चाहिए, उसमें बफर कैसा लगाना चाहिए, नहीं तो आपकी कीमती रुद्राक्ष यहां बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा, ये तो रुद्राक्ष जो है इसके तो सीधे सीधे दो टुकड़े हो गए हैं, इसके सीधे सीधे दो टुकड़े हो चुके हैं। ये रुद्राक्ष है इसके सीधे सीधे दो टुकड़े हो चुके हैं। ये बहुत ही हल्के क्वालिटी के रुद्राक्ष है, इनमें वेट या डेंसिटी नाम की चीज है ही नहीं। दिखने में बड़ा रुद्राक्ष है, दिखने में बढ़िया दिखता है, लेकिन ये बिल्कुल लो क्वालिटी का रुद्राक्ष है। आदमी इसी में फंस जाता है कि हल्के रुद्राक्ष, खंडित रुद्राक्ष, कहीं इंसेक्ट इन्फेस्टेड, मॉथ इन्फेस्टेड रुद्राक्ष खरीद लेते हैं और फिर ये होता है। और कुछ खंडित रुद्राक्ष, ये भी एक रुद्राक्ष है जिसके बिल्कुल दो टुकड़े हो चुके हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया, रुद्राक्ष एक मजबूत दाना है, ऐसे जल्दी से टूटता नहीं है। सैकड़ों सालों तक एक रुद्राक्ष चलता है। सैकड़ों सालों तक रुद्राक्ष चलने वाला इस तरह से अचानक कैसे टूटेगा? इस पे कोई भारी मार लगनी चाहिए या फिर वो बहुत ही हल्का पुअर क्वालिटी का दाना है। तो मित्रों, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है। तो मित्रों, मैंने कुछ ही वैरायटी इसमें से दिखाई है और बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे प्रकार है जिससे वो खंडित होता है, भंग होता है, लेकिन अंदाजा है आपको आ चुका है इसके बारे में। तो मैं चाहता हूं कि जब भी आपका रुद्राक्ष खंडित हो जाए, भंग हो जाए, उसको इमीडिएटली विसर्जन कीजिए। उसके पश्चात रुद्रश्रुति के जो भी अभ्यासक है उससे राय लेके वापस एक रुद्राक्ष धारण करें। उसकी जो भी अप्रोप्रिएट प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप वापस एक रुद्राक्ष धारण कीजिए। रुद्राक्ष का लाभ लेना छोड़िए मत, क्योंकि एक आधा रुद्राक्ष टूट गया है तो। और आखिरी बार मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि रुद्राक्ष खरीदते समय अच्छे सप्लायर से, अच्छे डीलर से खरीदिए जो रिलायबल हाई क्वालिटी बीड्स आपको देगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूं और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शिवम कल्याणम।